हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये डिज़ाइन मेरा एक ही रंग का है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, खासकर ये जेंट्स के लिए है डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को खासकर आप लाइट कलर में ही बनाइएगा, इससे बहुत प्यारा उभर कर आएगा डिज़ाइन। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सिलाई में मैंने 32 फंदे डाल रखे हैं और 8 सिलाइयां मैंने बुनी हुई हैं, और डिजाइन हमारा 10-10 फंदों के मल्टीपल में बनेगा, जिसमें मैंने 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए। इसमें मैं 3 पैटर्न बना के आपको दिखाऊंगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं डिजाइन। डिजाइन हमारा सीधी तरफ से बनेगा। पहला फंदा उतार लेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा ही बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर 8 फंदे उल्टा ही बुन लेंगे, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 8 फंदे उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, एक, दो, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 8 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 8 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। पहली रो हमारी कंप्लीट हो जाती है इसी तरह। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हम उल्टा ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरे फंदे हम उल्टा ही बुनेंगे। इसी तरह हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सीधी तरफ से पहला फंदा उतार लेंगे। ध्यान से देखिए कैसे बुनना है। फिर 2 फंदे हम उतार लेंगे सिलाई से, फिर जो उल्टा फंदा हमने बुना है उसको पीछे से लेंगे, और जो सीधा फंदा हमने बुना है उसको इस तरह से सिलाई पे ले लेंगे, फिर इस पीछे वाले फंदे को इस सिलाई पे ऐसे चढ़ा देंगे, फिर हम इस फंदे को सीधा ही बुनेंगे। इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से बुनना है। फिर इसको भी सीधा बुन लेंगे। ये 3 फंदे हमने सीधा बुन लिए हैं। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। पहली रो में हमने 8 फंदे उल्टा बुने थे, तीसरी रो में हम 6 फंदे उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ये 6 फंदे हमने उल्टा बुन लिए हैं। फिर धागा पीछे करेंगे। ध्यान से देखिए अब क्या करना है हमें। ये जो 2 फंदे हमारे हैं, इन 2 फंदों को सिलाई पे से उतार लेंगे। ये फंदा हमारा उल्टा बुना हुआ है और ये फंदा हमारा सीधा बुना हुआ है। ये दोनों फंदे हम उतार लेंगे, इस फंदे को पीछे से उठाएंगे और इस फंदे को आगे से उठाएंगे, और ऐसे सिलाई पे चढ़ा लेंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, फिर इसे भी सीधा बुनेंगे, फिर हमारे पास सीधा फंदा एक और है, फिर इस फंदे को भी हम ऐसे उतार लेंगे, और एक उल्टा फंदा भी है उसे भी उतार लेंगे, और इस फंदे को सिलाई पे से ऐसे चढ़ाएंगे और इस फंदे को आगे से ऐसे चढ़ाएंगे, फिर दोनों फंदों को एक ही सिलाई पे ऐसे चढ़ा लेंगे और सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हो गया। अब धागा आगे करेंगे। अब 6 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, एक, दो,
चार, पाँच, छः। ये छः फंदे हमने बुन लिए हैं। फिर से हम जो हमने यहाँ पे किया है फिर से हम यहाँ करेंगे। दो फंदे हम उतार लेंगे, इस फंदे को पीछे से ऐसे लेंगे और इस फंदे को आगे से लेके सिलाई पे यूं चढ़ा लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। ऐसे फिर हम दो फंदे उतार लेंगे सिलाई से और इस फंदे को पीछे से लेंगे और इस फंदे को आगे से लेके सिलाई पे ऐसे चढ़ा लेंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। ऐसे फिर धागा आगे करेंगे, फिर छह फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये छः फंदे हमने बुन लिए हैं। फिर धागा पीछे करेंगे और फिर इन दो फंदों को उतार के इस फंदे को पीछे से लेंगे और इस फंदे को आगे से लेके ऐसे चढ़ा लेंगे और सीधा बुन लेंगे। लास्ट वाला फंदा भी सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उल्टी तरफ से ये चौथी रो है हमारी। चौथी रो में पूरी सिलाई उल्टा ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सीधी तरफ से हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये फंदा भी सीधा ही बुनेंगे, उसके बाद ये जो चोटी वाला फंदा है इस फंदे को उतार लेंगे और एक इस फंदे को उतार लेंगे। ये दो फंदों को उतारने के बाद इस फंदे को पीछे से लेंगे और इस फंदे को आगे से लेंगे और दोनों एक ही सिलाई पे चढ़ा लेंगे और इन दोनों को सीधा ही बुनेंगे। ऐसे ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हमारा वी शेप बनता जाएगा। धागे को आगे करेंगे। तीसरी रो में हमने छह फंदे उल्टे बुने थे, पांचवी रो में हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार। ये चार फंदे हमने उल्टे बुने हैं। इसके बाद दो फंदे हम उतार लेंगे और ये जो चोटी वाला फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे आगे से और जो गांठ वाला फंदा है उसको हम पीछे से लेंगे। इस तरीके से क्रॉस करके ऐसे फंदे सिलाई पे चढ़ा लेंगे और धागा पीछे करेंगे और इनको हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे फिर ये दो फंदे हमारे ये भी सीधे बुने जाएंगे। ऐसे, एक, दो। फिर ये जो चोटी वाला फंदा है ये फंदा और ये फंदा इन दोनों को क्रॉस करेंगे ऐसे क्रॉस करके और इन्हें हम सीधा ही बुन लेंगे। ऐसे ये देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार। फिर से देखिए, ये चोटी वाला फंदा हमारा और ये गांठ वाला फंदा है, इनको क्रॉस करेंगे ऐसे, इसको ऐसे चढ़ा लेंगे सिलाई पे और धागा पीछे करेंगे और इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे फिर ये दो फंदे हमारे हैं, एक चोटी वाला और एक गांठ वाला, तो इन दोनों फंदों को क्रॉस करेंगे इस तरीके से, इन्हें भी सीधा बुन लेंगे।
धागा आगे करेंगे, फिर चार फंदे हम उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन चार, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर ये छोटी वाला फंदा इन दोनों फंदों को क्रॉस करेंगे ऐसे, और सीधा बुन लेंगे, इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रो कंप्लीट। अब उल्टी तरफ से, ये छठी रो है हमारी, उल्टी तरफ से पूरी रो इसी तरह उल्टा ही कंप्लीट कर लेंगे, पूरी रो उल्टा ही बुनेंगे। ये छठी रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सीधी तरफ से सातवीं रो है हमारी, ये जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं इन्हें सीधा ही बुनना है। देखिए इस तरीके से हम बता रहे हैं आपको। दो तीन, ये देखिए हमें फंदे जो सीधे हमें दिख रहे थे हमने बुन लिए हैं, और ये जो चोटी वाला फंदा है इसे हमें क्रॉस करना है। ये फंदा हमारा इधर को जा रहा है तो हम इस फंदे को आगे से क्रॉस करेंगे। देखिए इस तरीके से इसे पीछे से लेंगे और इसे आगे से लेंगे, ऐसे सिलाई उतार लेंगे और इन्हें सीधा बुन लेंगे। ये हमारी सातवीं रो है, ये देखिए इस तरीके से। फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक दो, ये दो फंदे हमने उल्टे बुने हैं। फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए ये चोटी हमारी इधर को जा रही है तो हम इधर से क्रॉस करेंगे, ये देखिए ऐसे उतारेंगे, इस फंदे को पीछे से लेंगे और इसे आगे से लेंगे ऐसे, और इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। बाकी जितने फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं हमें इन्हें भी सीधा ही बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए छोटी वाला फंदा हमारा है तो इसे हम क्रॉस करेंगे, इसे पीछे से लेंगे, इसे आगे से, और इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से हम क्रॉस करेंगे, जो फंदे सीधे दिख रहे हैं इन्हें भी सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, फिर फंदे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने पे इसे भी सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर फंदों को क्रॉस करेंगे ऐसे, और इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हम उल्टा ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सीधी तरफ से जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं इन्हें सीधा ही बुनना है। देखिए इस तरीके से पहला फंदा उतार लेंगे, अब ये देखिए क्रॉस वाला फंदा है इसे हमें क्रॉस करना है। ये देखिए ऐसे, और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इस रो में पूरे फंदे हम सीधे ही बुनेंगे। ये देखिए फिर अब यहाँ पे भी क्रॉस करना है।
देखिए यहाँ पे भी क्रॉस करना है, देखिए ऐसे क्रॉस करेंगे। फिर से हम क्रॉस करेंगे यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर मैं आपको आगे डिज़ाइन रिपीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।